अलीगढ़ शराब कांड से सबक लेकर उन्नाव जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन व आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले भर की शराब दुकानों में छापेमारी कर स्टॉक जांचा। वहीं सीसीटीवी फुटेज व सुरक्षा बिंदुओं को चेक कर सख्ती से आदेश के पालन करने के आदेश दिए गए। अलीगढ़ में शराब कांड में लगभग 22 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्नाव में डीएम की गठित टीमों ने जिले भर में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण कर दुकानों को चेक किया। एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह, सीओसीटी कृपाशंकर व जिलाबकारी अधिकारी के शुक्ला ने मॉडल शॉप, देसी शराब की दुकानों का स्टॉक चेक किया। सीसीटीवी फुटेज के अलावा सुरक्षा के मानकों को चेक कर किसी भी तरह की मिलावट न होने के सख्त आदेश दुकान मालिकों को दिए हैं। इसके अलावा सैनिटाइजेशन व 2 गज की दूरी को पालन के लिए एसडीएम ने निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया मॉडल शॉप, देसी शराब की दुकानों की जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज व स्टॉक को देखा गया, ठेका संचालकों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। आज आपने कई दुकानों में छापेमारी की है, क्या कुछ पाया है? देखिए, ये जो जनपद स्तरीय हमारी समिति गठित हुई है, जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, आबकारी निरीक्षक, संबंधित थाने के जो प्रभारी हैं उनके साथ में संयुक्त रूप से ये हमारा गांधीनगर में जो मॉडल शॉप है और टेम्पो स्टैंड के पास में देसी मदिरा के साथ में बियर की जो दुकानें हैं उनकी चेकिंग की गई है। स्टॉक के साथ में अन्य जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे आदि का जो मानक पूर्ण किया जाना है उसके बारे में ये अभी आज चेकिंग की गई है। सर, अभी जैसे आज चेकिंग हुई है, कब तक लगातार अभियान चलता रहेगा या कुछ दिन के लिए क्या? ये अभियान निरंतर चल रहा है, फिलहाल 3 दिनों तक इसमें वृहद स्तर पर सघन तौर पर एक कार्रवाई की जा रही जाएगी और ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। सर, सफाई को लेकर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जुर्माना लगाया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? सामान्य तौर पर देसी मदिरा की दुकानों के आसपास गंदगी अधिक पाई जाती रही है, उसको निरंतर निर्देशित किया जाता रहा है, तो उसके संबंध में निर्देशित किया गया है कि यदि इस प्रकार से COVID-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण कोई यदि प्रकरण संज्ञान में निकट भविष्य में आता है तो संबंधित जो अनुज्ञापी हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक और जुर्माने की कार्रवाई की। सर, जाँच के दौरान क्या कोई खामियाँ भी पाई गई? मूल रूप से खामियों में स्टॉक तो लगभग पूर्ण था, ओवर प्राइसिंग का जो व्यक्ति खरीदते हुए मिले थे उनसे पूछने पर ओवर प्राइसिंग की समस्या नहीं आई, थोड़ा साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की कमी जो रही उनको दूर कराने के लिए निर्देशित किया गया।